वेलकम टू ऑल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश है और हम लोग बच्चों साथ में सीख रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ टॉपिक। नॉर्मल क्लास जो हमारी चल रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, उसमें हम लोग स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज संडे है। संडे के दिन कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स में होते हैं उनके साथ, अथवा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक हैं, आपको जानना ज़रूरी है, उसको लेकर के मैं आता हूँ। तो चलिए उस श्रृंखला में आज कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ अंतरिक्ष अनुसंधान का कुछ बचा हुआ चंक है उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों पहले शुरू करते हैं हम लोग मिसलेनियस टॉपिक से, और जो पहला टॉपिक आपके लिए है वो है 3D प्रिंटिंग, त्रिविमीय प्रिंटर, 3D प्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, 3D प्रिंटिंग है क्या? यह एक कंप्यूटर एडिड यानी कंप्यूटर की सहायता से किसी वस्तु का डिजिटल चित्र बनाया जाता है, पहला चरण होता है। उसके बाद उसकी मॉडलिंग की जाती है। मॉडलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ सब्सटेंस जिससे उसके मॉडल बनाए जा सके। मान लीजिए आपको ये मार्कर बनाना है तो इसका पहले कंप्यूटराइज्ड एक डिजिटल फॉर्मेट बनाया जाएगा जिसमें इसके कई सारे हॉरिजेंटल लेयर्स, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हॉरिजेंटल लेयर्स के रूप में डेवलप किए जाएंगे, और फिर मॉडलिंग के समय उस लेयर को जिस हिसाब से इस चित्र में, इसके थ्री डायमेंशन चित्र में वो होंगे, उनको एक के ऊपर एक स्टैक किया जाएगा और अंत में ये मार्कर बन के तैयार हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। ये एक छोटा सा उदाहरण है बच्चों, लेकिन 3D प्रिंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में एरोप्लेन के मॉडल को, पूरे के पूरे एरोप्लेन को हम बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, मेडिकल इंडस्ट्री में तो ये समझ लीजिए एक जादू के रूप में आ चुका है 3D प्रिंटर, और हम आर्टिफिशियल ऑर्गन तक बना सकते हैं। तो ये आज मेरा पहला विषय है, चलिए आइए सीखते हैं 3D प्रिंटिंग है क्या। तो पहले इसके इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले आप जानें कि चार्ल्स हल ने 1983 में इसको इन्वेंट किया था। नाम था उनका चार्ल्स हल, सही लिखा है चार्ल्स, चार्ल्स हल 1983 में सबसे पहले इसका आविष्कार किया और इसको पेटेंट मिला 1986 में, एंड पेटेंटेड इन 1986। ठीक है बच्चों, 3D प्रिंटिंग परिभाषा क्या है इसकी, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे चलें। इसकी परिभाषा यह है बच्चों कि किसी भी वस्तु के त्रिविमीय संरचना को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में बनाकर और उसे छोटे छोटे क्षैतिज सतहों में बांटकर एक साथ बनाना डिजिटल प्रिंटिंग है। तो किसी वस्तु वस्तु की संरचना की त्रिविमीय संरचना त्रिविमीय संरचना को कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल फॉर्मेट में बनाकर
तथा उसे क्षैतिज स्तरों क्षैतिज हॉरिजेंटल क्षैतिज स्तरों में विभाजित कर में विभाजित कर पूर्ण आकृति विकसित कर लेना थ्री डी प्रिंटिंग कहलाता है। थ्री डी प्रिंटिंग कहलाता है। बच्चों इसमें तीन चीजें हैं, एक तो पहले कंप्यूटर से उसकी डिजिटल संरचना बनाना और हॉरिजेंटल लेयर्स में उस डिजिटल संरचना को, कहने का मतलब जो माइन्यूट डिटेल्स है उसको भी उसमें रखना और हर हॉरिजेंटल लेयर को एक के ऊपर एक स्टैक करते हुए अंत में पूरी जो वस्तु है उसकी आकृति को बना लेना या उस वस्तु की प्रतिलिपि को बना लेना। आकृति कहना गलत होगा, प्रतिलिपि कहिए यहां। पूर्ण आकृति विकसित कर वस्तु की प्रतिलिपि बना लेना 3D प्रिंटिंग है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब बारी आती है कि इसमें जैसे मान लीजिए आपको पिस्टल बनानी है, तो पिस्टल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, पिस्टल बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ सब्सटेंस, बिल्कुल उसका आप इमेज बनाए 3D इमेज बनाने के बाद डिजिटल फॉर्मेट में, फिर आपको सब्सटेंस जिससे पिस्टल बनेगी मान लीजिए वो स्टील है, तो वो स्टील किस प्रकार से उस आकृति में जुड़ी हुई है, छोटी छोटी क्षैतिज लेयर में आपने उसे बांट दिया, जैसे ही आपने बटन दबाया स्टील जा करके जो मोल्टन स्टेट में होगी, द्रव अवस्था में होगी, उस वस्तु का निर्माण करेगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाना है, वेसल्स बनाने हैं या मूत्राशय का ब्लैडर बनाना है, तो आपने क्या किया कि जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस उसमें यूज होता है उसको आपने प्रिंटर में डाला, उस ऑर्गन के बनाने के लिए जो डिजिटल फॉर्मेट था वो ऑलरेडी कंप्यूटर में है, अब वो मोल्टेन जो सब्सटेंस है जिससे ऑर्गन बनाना है वो धीरे धीरे आकर के स्टैक होता जाएगा और आपको बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, तैयार ऑर्गन मिलेगा, वो आर्टिफिशियल है। बट यस, हम ऑर्गन रियल ऑर्गन भी बना सकते हैं अगर हम स्टेम सेल तकनीकी और 3D प्रिंटिंग को जोड़ सकें तो, जिसका फ्यूचर है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे और बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके भी। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए 3D प्रिंटिंग है क्या। आपने पहले फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद कुछ सब्सटेंस चाहिए होंगे जिससे आप उस पर्टिकुलर वस्तु को बना सकें, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पदार्थ चाहिए होते हैं, और चूँकि वेरियस यूजेस हैं तो बहुत सारे पदार्थ चाहिए होते हैं और उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, तो आइए उन पदार्थों की एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। पहला है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। दूसरा है रेजिन, ये नोट कर लीजिए। तीसरा है सिल्वर, चांदी, चांदी, रेजिन को रेजिन ही लिखते हैं हिंदी में, पॉलीएमाइड को पॉलीएमाइड ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा टाइटेनियम, टाइटेनियम। पांचवा स्टील, स्टील। ठीक है बच्चों, छठा वैक्स, मोम,
सिंपली अगर आपको एक मोमबत्ती बनानी है तो उसका 3D इमेज आपके पास हो और फटाफट वो मोमबत्ती बनती जाएगी, बीच में धागा और सारी चीज़ें अगर आपने वहाँ पे रखी हुई हैं, जो उसके क्लस्टर है, जो मशीन का क्लस्टर है जिसमें हर चीज़ अपने समय पे आती है, उसका टाइम इंटरवल सेट है और उसका अमाउंट सेट है और वहाँ पे फटाफट बन के तैयार होती है। तो वैक्स हो सकता है, वैक्स से कुछ बनाना हो तो फोटोपॉलीमर हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, फोटोपॉलीमर कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसके ये इनके सारे नाम जो है हिंदी में भी वही है। तो ये वो पदार्थ है, पदार्थ जो 3D प्रिंटर में उपयोग में लाए जाते हैं। ये वो पदार्थ है जो 3D प्रिंटर में उपयोग में लाए जाते हैं और इनसे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। और 3D प्रिंटिंग में तीन चरण होते हैं। तीन चरण में पहला जो चरण होता है वो होता है मॉडलिंग, समझिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 3D प्रिंटिंग में तीन चरण होते हैं। तीन चरण, पहला है मॉडलिंग, ठीक है बच्चों। मॉडलिंग में क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के उपयोग से किसी भी जिस वस्तु को आप बनाना चाहते हैं उसकी त्रिविमीय संरचना को डिजिटल फॉर्मेट में बना लेते हैं। त्रिविमीय संरचना बनाते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसके बाहर की त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, उसके भीतर वो कैसा है उसकी भी त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, और एक साथ नहीं बनाते, उसके कई सारे हॉरिजेंटल लेयर्स, क्षैतिज सतहों के रूप में बनाते हैं। तो त्रिविमीय संरचना कंप्यूटर के उपयोग से बनाना किसी भी वस्तु का, और कई सारे क्षैतिज सतहों के रूप में बनाना, डिजिटल फॉर्मेट में बनाना मॉडलिंग कहलाता है। तो लिख लीजिए, कंप्यूटर की सहायता से, वस्तु का डिजिटल फॉर्मेट बनाना मॉडलिंग है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समस्त डिजिटल फॉर्मेट क्षैतिज सतहों, हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में हो तथा क्रमागत हो, तात्पर्य यह है कि क्षैतिज सतहें जो बने वो क्रमागत हो, मतलब क्रम से आने वाली हो। ऐसा ना हो कि ढक्कन ऊपर है और वो ढक्कन का जो क्षैतिज सतह है वो नीचे कहीं लग जाए, तो इट विल अ काइंड ऑफ मिसमैच, जो कि कभी कभी हो जाता है, बट इतना बड़ा मिसमैच नहीं होगा कि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसकी स्थिति ही बदल जाए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्रमागत क्षैतिज सतहों का डिजिटल फॉर्मेट बनाया जाता है कंप्यूटर की सहायता से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, और वो फॉर्मेट 3D फॉर्मेट होता है। अब बारी आती है मॉडलिंग के बाद उसको बनाने की। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्रिंटिंग की बात करेंगे।
दूसरा चरण है बच्चों प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि जो आपको मैंने पदार्थ बताया उसके मोल्टन या लिक्विड स्टेट में आप उसे एक टैंक में लेते हैं और वो टैंक जुड़ा होता है कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर कमांड देता है उस हिसाब से उसमें से सब्सटेंस निकलता है, प्रोसेस होता है उस 3D लेयर, उस 3D फॉर्मेट के हिसाब से जिस हिसाब से उसको बनना है, और फिर उसे जो नोजल होते हैं उसके थ्रू जहां वो ऑब्जेक्ट बन रहा होता है वहां पे उसे पोर किया जाता है या गिराया जाता है। तो क्या होता है, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो मोल्टन स्टेट में है यहाँ आने के बाद अपने ओरिजिनल जो उसका ठोस जो स्टेट है उसमें आ जाता है, सॉलिड स्टेट में, और वस्तु बनना शुरू हो जाती है। तो अगला जो स्टेट है दैट इज प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रिंटिंग में आपको जो जिससे आपको जिस पदार्थ का वस्तु बनाना है वो ऑलरेडी आप मोल्टन स्टेट में है कि द्रवित पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिसकी वस्तु बननी है, द्रवित पदार्थ जिसकी वस्तु बनाई जानी है, नोजल के द्वारा कंप्यूटराइज्ड 3D फॉर्मेट के अनुसार छोड़ा जाता है तथा जमने पर इच्छित वस्तु तैयार हो जाती है। जमने पर इच्छित वस्तु तैयार हो जाती है। दिस इज व्हाट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय 3D प्रिंटर। द्रवित पदार्थ, जो पदार्थ चाहे वो स्टील हो, टाइटेनियम हो, प्लास्टिक हो, नायलॉन हो, रेजिन हो, ये नोजल के थ्रू 3D जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसके कमांड के हिसाब से हॉरिजेंटल लेयर में छोड़ा जाता है और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होकर के वो वस्तु तैयार हो जाती है जो आपने बनाना चाहा है। दूसरा चरण है प्रिंटिंग। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, याद रखिएगा हॉरिजेंटल लेयर क्रमागत है, क्रमानुसार आती हैं और स्टैक हो करके पूरा का पूरा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है उसको बना देती हैं, ठीक है। तीसरा चरण है, थर्ड, वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कुछ मिसमैच हो गया। मिसमैच ऐसा नहीं होता कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कहने का मतलब उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जहाँ जो होना चाहिए वो वहाँ पे ही होगा, समटाइम जो एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो जाए वो सब्सटेंस, या थोड़ा बहुत लंबाई या ऊंचाई में वेरिएशन आ जाए, थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस हैं उसको बाद में मैनुअली या फिर मशीन के द्वारा फिनिश किया जाता है। तो फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड, फिनिशिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बड़ा मिसमैच हो जाए जिससे वो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा बने ही नहीं। मान लीजिए पिस्टल बनाया और ऐसा मिसमैच हो जाए कि उसकी नली ही जाम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है उस पिस्टल को बनाने में उसके जो हैंडल बार है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टील जुड़ जाए तो वो चिकना ना हो तो उसको फिनिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो तीसरा होता है फिनिशिंग, जिसमें इसमें छोटे मोटे मिसमैच, त्रुटि को
दूर कर परिष्कृत वस्तु तैयार कर ली जाती है, तैयार कर ली जाती है, परिष्कृत वस्तु तैयार कर ली गई फिनिशिंग के बाद। छोटे मोटे मिसमैच अगर होते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन गो अहेड। आपने वस्तु तैयार कर ली, 3D प्रिंटिंग भी आप समझ गए हैं, इसमें कुछ पदार्थ की जरूरत होती है और क्या इसमें चरण होते हैं वो आपने देख लिया, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो वेरियस यूजेस हैं बच्चों, और आने वाले भविष्य में इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो नॉर्मली एरोस्पेस इंडस्ट्री आप लिख लें, उपयोग एरोस्पेस इंडस्ट्री विमान उड्डयन उड्डयन उद्योग विमान उड्डयन नहीं होगा, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री ठीक है बच्चों। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पूरी की पूरी कार आप 3D प्रिंट कर सकते हैं, सारी मशीन इंजन छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर के कुछ भी कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड मतलब कोई भी आवश्यकता आपकी है 3D कोई भी वस्तु है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज़बरदस्त इसमें रिवॉल्यूशन आने वाला है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि 3D प्रिंटर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ऐसे ऐसे सुपर कंप्यूटर बना सकेंगे जो नॉर्मल कंप्यूटर से, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स से अचीव होता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आप नैनोटेक, इन दोनों का उपयोग करके प्लस 3D प्रिंटिंग, आगे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और पांचवा मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ ठीक है बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा इलैबोरेट करेंगे मेडिकल एंड हेल्थ, बाकी आप जरा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, विमान उड्डयन इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इसमें आप समझ ही रहे हैं, विमान पूरा का पूरा विमान कार या उसके पार्ट्स, स्पेसिफिक पार्ट्स जो बनाने कठिन होते हैं उनको आराम से 3D प्रिंटिंग में बनाया जा सकेगा। ये तो रही बात उपयोग की, मैंने कहा मेडिकल इंडस्ट्री को हम लोग ज़रा इलेबोरेट करेंगे। तो हेल्थ और मेडिकल, अभी जो हो रहा है 3D प्रिंटिंग से वो है आर्टिफिशियल ऑर्गन प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी प्रोडक्शन ठीक है बच्चों। आर्टिफिशियल ऑर्गन, ये स्यूडो ऑर्गन इसको लिख लीजिए, स्यूडो ऑर्गन मतलब आर्टिफिशियली ऐसा सिमुलेटेड ऑर्गन सिस्टम कि वो बिल्कुल ठीक ठीक अंग के समान हो, जो अंग हम बनाना चाहें वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम ब्रेन बनाना चाह रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन ठीक है, और ये ह्यूमन ब्रेन रियल नहीं होगा, इट विल बी आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल कहना गलत होगा, ये स्यूडो ब्रेन होगा, ब्रेन जैसा सिमुलेट कर रहा होगा ब्रेन। अब आप कहेंगे इसका यूज क्या है बच्चों, जैसे डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें दुनिया भर के जो कैडबर होते हैं उन पे ट्रेनिंग करनी होती है। कभी कभी कैडबर का मतलब है मुर्दा, मोर्चरी से ह्यूमन बॉडी को, जो रियल ह्यूमन बॉडी है जो प्रिजर्व्ड होती है, उनको ले आया जाता है और उन्हें खोला जाता है।
समटाइम जो ह्यूमन बॉडी है, जो कैडबर है, वो नहीं मिलता। तो क्या होता है कि जो बच्चे सीख रहे होते हैं सर्जरी, उनको समस्या आती है। दूसरी बात, ह्यूमन बॉडी बहुतायत नहीं मिलती, तो आपको पर्सनल, जैसे मुन्ना भाई में कहता है पर्सनल चाहिए, तो उसको वहाँ तो ला दिया जाता है, लेकिन सबको पर्सनल नहीं मिल सकता, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो क्या करना है आपको सिखाने के लिए सर्जरी, आर्टिफिशियली स्यूडो सिमुलेटिंग ऑर्गन्स डेवलप करने हैं, या पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप करनी है। दैट कैन बी डन बाय यूजिंग 3D प्रिंटिंग, ठीक है। जैसे ब्रेन आपने डेवलप कर लिया और ब्रेन सर्जरी करना सीखना है आपको, तो आपने कई सारे ब्रेन आर्टिफिशियली डेवलप कर लिए हैं, जो कि रेजिन के बने हो सकते हैं, या फिर इपॉक्सी रेजिन के बने हो सकते हैं, या फिर उसमें सिलिकॉन हो सकता है। कहने का मतलब वो एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन जैसे ही उसमें सारे गुण होंगे, फिजिकल टेक्सचर वैसा होगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट ब्रेन, बट यस, उसको सिमुलेट करता हुआ होगा एग्जैक्टली उतनी ही ऊंचाई गहराई, और जो गैंग्लियन का जो भी सेंसिटिविटी है वो उसको सिमुलेट करता हुआ ब्रेन आप बना सकते हैं, और उसकी सर्जरी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी ब्रेन सर्जरी करने के लिए। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, और उस ब्रेन को आपने 3D मैपिंग की, मैपिंग करने के बाद उसकी प्रिंटिंग की, और उस ट्यूमर को निकालने के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, या फिर सर्जन ने पहले, जैसे आप रफ कार्य करते हैं ना, कोई उत्तर लिखने के लिए अच्छा ऐसे लिखना हो तो यू गो फॉर जॉटिंग्स, इस तरह के काम करके आप अपना जो है ऑन स्पॉट जो आप ऑपरेशन करते या जो प्रयास करते हो, उसको आप यहाँ पे पहले भी करके अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्यूडो ऑर्गन डेवलपमेंट ये तो अभी हो रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या है आपको मैं बताता हूँ, और यही बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फ्यूचर है बच्चों, अभी हम लोग आगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग स्टेम सेल रिसर्च पढ़ेंगे, और स्टेम सेल रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिसर्च विच इज हैपनिंग राइट नाउ, और आगे आकर के आपको बहुत कुछ देने वाला है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टेम सेल रिसर्च पे। फिलहाल यहां जान लीजिए स्टेम सेल तकनीकी प्लस 3D प्रिंटिंग से हम ओरिजिनल ऑर्गन बना सकते हैं, ओरिजिनल ऑर्गन डेवलप्ड आर्टिफिशियली, ठीक है बच्चों, अप्राकृतिक रूप से वास्तविक अंग 3D प्रिंटर और स्टेम सेल तकनीकी के एमलगेमेशन से बनाए जा सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा और इस पे प्रयास चल रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, स्टेम सेल रिसर्च और 3D प्रिंटिंग से जब आप ओरिजिनल ऑर्गन बनाने लगेंगे, किसी को आँख की जरूरत है, आपने फटाफट आँख तैयार की और दे दिया डॉक्टर को कि सर लगा दीजिए इसकी आँख, किसी का लीवर खराब है, लीवर आपने बनाया और दे दिया, और वो भी उस पर्टिकुलर आदमी के सेल को लेकर के, यानी उसी के सेल को लेकर के, उसी के DNA को लेकर के आप 3D प्रिंटिंग से ऑर्गन डेवलप कर रहे हो। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है ऑर्गन ट्रांसफर में, वो होती है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन रिएक्शन। अंग प्रत्यारोपण में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उस अंग, बाहरी अंग को रिजेक्ट कर देती है। नॉर्मल वर्ड में आप सुने, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब अगर उसी व्यक्ति की कोशिका, उसी व्यक्ति का DNA, उसी व्यक्ति के चरित्र और सब कुछ उसी व्यक्ति का होगा जिसको वो ऑर्गन लगाना है, उसी के सेल को लेकर के अगर स्टेम सेल टेक्निक और 3D प्रिंटिंग से हम वो अंग बना लेंगे, तो क्या रिजेक्शन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्या उस आदमी को वेट करना होगा ज़्यादा दिनों तक कि हमें ऑर्गन मिल जाए? नहीं करना होगा। क्या ऑर्गन डोनेशन के लिए परेशान होना होगा? नहीं होना होगा। ये सारे फायदे हैं बच्चों 3D प्रिंटिंग में, जो कि फ्यूचर में 3D प्रिंटिंग हमें देने वाला है। तो इसको आप, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं ऑर्गन प्रिंटिंग की। हम लोग हेल्थ और मेडिकल में स्यूडो ऑर्गन प्रिंटिंग और रियल ऑर्गन प्रिंटिंग की चर्चा, स्यूडो ऑर्गन प्रिंटिंग मैंने बता दिया इसके यूजेस,
कि प्रैक्टिस करना चाहें आप या सर्जन को ट्रेन करना चाहें, स्यूडो ऑर्गन्स बना करके आप उनसे अपनी अपनी डिसेक्शन की प्रैक्टिस और अच्छी कर लें, ऐसा वो सीख सकेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी प्लस 3D। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी प्लस 3D और इससे बन रहा था हमारा आर्टिफिशियल ऑर्गन। बायोलॉजी का मतलब यहां पे स्टेम सेल रिसर्च है बच्चों, स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल वे कोशिकाएं होती हैं, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि टोटिपोटेंट होती हैं या प्लूरीपोटेंट होती हैं, दोनों हो सकती हैं। अब टोटिपोटेंसी क्या होती है? टोटल पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल के अंदर वह पूरी क्षमता की वह पूरा का पूरा ऑर्गन बना ले, इसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। प्लूरीपोटेंसी, अगर वह सेल प्लूरल ऑर्गन सिस्टम में, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंशिएट होने की क्षमता रखती है, तो उसे प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे स्टेम सेल रिसर्च में, अभी यहाँ थोड़ा सा आप समय दीजिए। स्टेम सेल रिसर्च और 3D प्रिंटिंग से आर्टिफिशियल ऑर्गन बना लिया, बात ये समझ में आ गई। अब इससे लाभ क्या होंगे? पहला लाभ होगा कि देयर विल बी नो रिजेक्शन रिएक्शन, तो प्रतिरक्षी रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होगा, प्रतिरक्षी रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होगा। किस केस में? ऑर्गन अंग प्रत्यारोपण के केस में, अंग प्रत्यारोपण। ठीक है बच्चों, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के केस में आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, किडनी ट्रांस मिल गई, ट्रांसप्लांट हो गई, पैसा भी लग गया और रिजेक्शन रिएक्शन हो गया, मामला सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर देती है फॉरेन पार्टिकल को। इसीलिए बहुत ही क्लोज जो रिश्ते में होते हैं उनके ऑर्गन डोनेशन में हम यूज़ करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अप्रोप्रिएट डोनर। तो सबसे बड़ी समस्या होती है डोनर की समस्या। अंगदाता, अंगदाता की समस्या का समाधान होगा कि नहीं? हो सकता है कल की चाय की टपरी की तरह ऑर्गन डेवलपमेंट के प्रयोगशालाएं खुल जाए, आप कहो कि आज तो मेरा लीवर खराब है, चलते हैं लीवर चेंज करा लेते हैं। गए आपने, अपने कुछ सेल दिए, बोला कि एक हफ्ते बाद आओ लीवर तैयार रहेगा, आपने वहां बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड लीवर लिया, डॉक्टर के पास गए, मैं मजाक कर रहा हूं बट इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, इस तरह से नहीं होगा लेकिन हाँ मेडिकल साइंस ऐसा कर सकता है आने वाले समय में। अंगदाता की समस्या का समाधान। तीसरा, लंबा इंतजार खत्म। लंबा इंतजार किसका? अंग प्रत्यारोपण में जो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो ऑर्गन है वो डेवलप किए जाते हैं उसी व्यक्ति के, व्यक्ति अथवा मरीज की कोशिका द्वारा विकसित अंग, उसकी कोशिका ली और उसको डेवलप किया स्टेम सेल रिसर्च के थ्रू और 3D प्रिंटिंग के थ्रू, और उसी का DNA है, उसी के सारे इम्यूनोग्लोबुलिंस प्रोटीन होंगे जो प्रतिरक्षा प्रणाली में उसने यूज़ किया है, तो रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होगा। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसकी जो है समस्या घटेगी। और इम्यून सप्रेसेंट दवाइयाँ खाई जाती हैं बहुत सारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में। तो चौथा आप लिख सकते हैं कि नो नीड नहीं होगी आवश्यकता ऑफ इम्यून सप्रेसेंट
मेडिसिन बहुत बड़ा बिल आता है इसका बच्चों। इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन खा करके ऑर्गन काम तो करने लगता है बट इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देता है, तो बहुत सारी और बीमारियां होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या मिला इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको वेट नहीं करना है ऑर्गन डोनेशन करने के लिए किसी व्यक्ति का, आपको ऑर्गन डोनेशन की समस्या से निजात मिलेगी। इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ खानी हो नहीं खानी होंगी और मरीज की कोशिका से बना है तो रिजेक्शन रिएक्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारे यूजेज हैं बच्चों किसका, 3D प्रिंटिंग के। और यूजेज हैं तो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको 3D प्रिंटर मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो कुछ ना कुछ आपके मन में होगा। वैसे ही अगर क्रिमिनल से कहा जाए कि भाई 3D प्रिंटर मिल जाएगा तो क्रिमिनल क्या कहेगा, वो कहेगा मैं एक AK-47 बनाऊंगा ताकि मेरा डिटरेंस हो, दुनिया मेरा लोहा माने, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। चैलेंजेस में अगर क्रिमिनल्स इसे पा जाते हैं, क्रिमिनल कैन मिसयूज एंड मेक इलीगल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपराधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा इलीगल जो सामान है वो बना सकते हैं, इलीगल प्रोडक्ट्स। दूसरा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन। अब AK-47 राइफल जिसने बनाया उसको इसकी रॉयल्टी मिलती होगी, चलिए ठीक है, काफ़ी पहले की बात है, कितनी रॉयल्टी मिलती होगी उस पर नहीं चर्चा करते। लेकिन अगर कोई वस्तु आपने बनाई अपने पूरी जीवन लगा करके रिसर्च करके और उसका कोई 3D प्रिंट चुरा ले या उसका 3D प्रिंट बना ले और फिर उस वस्तु की जो रॉयल्टी आपको मिलनी होती है वो खुद प्रोड्यूस करके उस वस्तु का यूज़ करे तो वो IPR का उल्लंघन है। तो IPR का हनन या उल्लंघन बहुत बड़े चैलेंज के रूप में है 3D प्रिंटर के। तो ये कुछ बातें थी जो 3D प्रिंटिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दो चीज़ें चैलेंजेस में, मिसयूज़ और क्रिमिनल्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये तो हुआ 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी या बायो टॉयलेट। इम्पॉर्टेंट है बायोडाइजेस्टर तकनीकी या बायो टॉयलेट। आइए देखते हैं क्या है बायोडाइजेस्टर। बायो डाइजेस्टर या बायो टॉयलेट। ठीक है बच्चों, बायो डाइजेस्टर या बायो टॉयलेट। आपने अभी ट्रेन में आप सफ़र करते होंगे तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि अब टॉयलेट जो है थोड़े साफ सुथरे दिखाई पड़ने लगे हैं और उसमें एक सूचना लिखी होती है कि आपको ये नहीं करना है, जिसमें लिखा होता है सिगरेट के जो टोटे हैं, बची हुई सिगरेट है, बॉटल है, नैपकिन है या फिर कोई भी पदार्थ ऐसा जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर हो उसमें नहीं डालना, ऐसा लिखा होता आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो बायो टॉयलेट है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। तो यही बायो टॉयलेट क्या है, बायो डाइजेस्टर क्या है, इसकी चर्चा हमें आपसे करनी है। बेसिकली बायो टॉयलेट क्या होते हैं, जब उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को स्टोर किया जाता है एक टैंक में और उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया या उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं जो उस ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ है, उसको वो डिसइंटीग्रेट करें, उसे वो तोड़ें
और तोड़ करके उसे उसमें से कुछ गैसेस निकल जाती हैं, उसको रिलीज कर दिया जाए और जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो अंत्य पदार्थ है, वो एक फर्टिलाइज़र के रूप में, द्रव फर्टिलाइज़र के रूप में काम आ जाता है। ये है बायोटॉयलेट का लेखा जोखा। अब बायोटॉयलेट में कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या हैं, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, कुछ कवक हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ की ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको तोड़ करके, डिकम्पोज करके उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बदल दे। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हर ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये क्या है बच्चों? ये कार्बन, हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में ये सारे एलिमेंट जुड़ करके वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, मुख्यतः कार्बन से लेके फास्फोरस तक। ये इनकी जो है, इनका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर बहुत ज़्यादा देखें तो यहाँ नाइट्रोजन तक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हर ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक मटेरियल को आप ओपन छोड़ देते हैं तो वो कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि जैसे कि टाइफाइड है, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं उसके कारण, जो भारत में होता था, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। मतलब डाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? पचाना। आपके लिए डाइजेशन का मतलब होता है उसके कंपोनेंट, उसके एलिमेंट्स में उसे तोड़ देना। आप भी तो यही करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है। आप प्रोटीन खाते हैं, उसको उसके कंपोनेंट अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। फैट खाते हैं, फैट को भी उसके कंपोनेंट में आप तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं आप? डाइजेशन। सिमिलरली यहाँ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको आप उसके एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। और उस सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं, उसमें कुछ कवक हो सकते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया ही होते हैं लेकिन कवक भी यूज किए जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव हैं बहुत सारे, जीवाणु और कवक, जो कि इस ऑर्गेनिक मटेरियल को खा करके और उसे पचा करके उसको एलिमेंटल फॉर्म में बदल देते हैं। तो नाम है बायो डाइजेस्टर, यानी बायो का मतलब बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट। ये तो बायोलॉजिकल एजेंट हो गए, और डाइजेस्ट किसको किया? ऑर्गेनिक मटेरियल को। किस में डाइजेस्ट किया? उसके एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। अब इस एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है वो गैस के रूप में निकल जाए, जैसे कि किस गैस के रूप में? मीथेन के रूप में, हो सकता है अमोनिया के रूप में, ठीक है बच्चों। मीथेन, अमोनिया, ये सारे गैस के रूप में निकल सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। मैं लिखा दूंगा सारा, चिंता करने की जरूरत नहीं। समझिएगा पहले बायोडाइजेस्टर है क्या। By using these microorganism, this organic material which is human excreta kept in the tank is digested into its elemental form and accordingly the some gases like methane, ammonia and hydrogen sulfide evolved. ये गैस इवॉल्व होंगी, एटमोसफियर में चली जाएंगी वायुमंडल में चली गई, बट स्टिल देयर आर सर्टेन मिनरल्स आर एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंस, जो उस टैंक में रह गया। कुछ ऐसे मिनरल अभी भी इस बचे हुए मटेरियल में हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो बचा हुआ मटेरियल है डाइजेशन के बाद,
उसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो यहां जो द्रव बचता है स्लज, इसको कहते हैं स्लज भी कहते हैं, जो बचता है शेष बचता है इन गैस के निकलने के बाद और डाइजेशन के बाद, इट कैन बी यूटिलाइज एज फर्टिलाइजर, इसको खाद के रूप में आप उपयोग में ला सकते हैं। यह है बायो डाइजेस्टर। बायो डाइजेस्टर, अब बात करते हैं बायो टॉयलेट की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर कट रहे बच्चों। बायो डाइजेस्टर की बात हम लोग कर रहे हैं या बायो टॉयलेट, दोनों सेनानिम्स हैं, क्योंकि बायो डाइजेस्टर में आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, जैसे कि गोबर गैस का प्लांट, वो भी बायो डाइजेस्टर है, ठीक है, बायो डाइजेस्टर है गोबर गैस का प्लांट। तो क्या है बायो डाइजेस्टर में, ऑर्गेनिक मटीरियल होगा, ऑर्गेनिक मटीरियल या कार्बनिक पदार्थ। अब ये क्या होगा, बायो टॉयलेट है तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, मलमूत्र होगा, होगा कि नहीं। ये एक टैंक में डाल दिया गया है, ये टैंक है, ठीक है, और इसी टैंक में आप डाल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी में इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव, इनका इनाकुला, इनाकुला का मतलब होता है जैसे दही जमाने के लिए आप जामुन डालते हो, ठीक वैसे ही जामुन क्या है, एक छोटा पार्ट है उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस का, जिससे दही जम रही है, ठीक वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इनाकुला इस टैंक में डाल देते हैं, जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है या फंजाई हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल इसके एलिमेंटल कंपोनेंट्स में विभाजित होना शुरू होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। हम लोग फर्मेंटेशन देखेंगे, फर्मेंटेशन क्या है, वहां भी तो डाइजेशन हो रहा है, लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ करके छोटे स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदला जा रहा है, ठीक है, गन्ने के रस को बदला जा रहा है एसिटिक एसिड में, या गन्ने के रस या फिर माल्ट को बदला जा रहा है एल्कोहल में, तो उसको उसके छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में बदला गया, और बीच में ही हम उसे रोक लेते हैं जब वो प्रोडक्ट बन जाता है। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन या एथेनॉल प्रोडक्शन में बच्चों, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई डाला, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का मतलब उसके एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इत्यादि एलिमेंट्स के रूप में बदला गया, कुछ गैसेस बनी प्लस कुछ लिक्विड के रूप में शेष बचा। गैस है वो तो उड़ जाएगी, ठीक, इसको उड़ा दिया, गैस कौन सी बनी, अमोनिया बन गई थी, मीथेन बन गई थी, वही मीथेन जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीन तरह की गैस बनती हैं बायोडाइजेस्टर में, ये चली गई। अब ये जो लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड बहुत सारे मिनरल में रिच होगा, और इस लिक्विड को हम उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लाएंगे। अब आप कहोगे सर लाभ, लाभ ही लाभ है, जिस जो चीज एक्सक्रीटा है जिसका कोई उपयोग नहीं, आपने कबाड़ से जुगाड़ कर लिया, पहली चीज क्या किया जुगाड़, आपने उससे फर्टिलाइजर बना दिया, ठीक। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल था, ये घर था कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करने वाले अदर बैक्टीरिया या बाकी सूक्ष्म परजीवियों का, उसको आपने रोक लिया, यानी आपने यहां फर्टिलाइजर बनाया, आपने स्वच्छता, स्व हाइजीन, ठीक है बच्चों, स्वच्छता हाइजीन मेंटेन की, साथ ही साथ आपने जो कंडीशन थी उसको, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते थे जिससे, उसको आपने रोका, तो ये आपको मल्टीफोल्ड लाभ दे रहा है। इसका चित्र बनाइए, फिर हम लोग जरा बात करें रेलवे की।
ठीक है। दो कमेटियां याद रखिएगा बच्चों, बायो टॉयलेट लगाने की संस्तुति दो कमेटियों ने किया है रेलवे में, पहली है काकोदकर कमेटी और दूसरी है पित्रोदा कमेटी। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो जो सरकारी काम हो रहे होते हैं उसमें इस तरह की कमेटी मिनिस्ट्री अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री अगर आप मेंशन करते हैं बच्चों तो आपके अंक जो है बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा आप इंटरनेट पे जब भी सूचना लिया कीजिए तो उस कंसर्न मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया कीजिए। बाकी सूचनाएं तो हर जगह होती हैं और सभी अथेंटिक सूचना देते हैं, बट यस अगर आपको कुछ एज लेना है तो उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को ज़रूर खंगाला कीजिए। जैसे मान लीजिए स्पेस रिसर्च हम लोगों ने अभी पूरा किया और स्पेस रिसर्च का मोस्ट ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको इसरो की वेबसाइट से मिलेगा, तो हमेशा ऐसी वेबसाइट को खंगालते रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेलवे में बायो टॉयलेट, शुरुआत यहीं से हुई थी। रेलवे में बायो टॉयलेट लगाने की जो संस्तुति हुई, रिकमेंडेशन हुआ, वो पहले ही थी पित्रोदा कमेटी, पित्रोदा कमेटी जो कि रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए बनी थी, रेलवे आधुनिकीकरण, रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए बनी थी इसने। और दूसरी कमेटी थी काकोदकर कमेटी, नोट करते जाइएगा, काकोदकर कमेटी जो रेलवे सुरक्षा रेलवे सेफ्टी के लिए बनी थी। इन दोनों कमेटियों का कंबाइंड रिकमेंडेशन था कि साहब रेलवे में जो है बायो टॉयलेट होने चाहिए, क्योंकि बायो टॉयलेट आप देख रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हो चुका है, मोदी रेजिम शुरू है 2014 और स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी साथ में बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसकी चर्चा की। इन दोनों कमेटी ने रेलवे में बायो टॉयलेट लगाने की संस्तुति की और 2015 के एनुअल बजट में, ये सब प्रश्न आ सकते हैं, 2015 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाता है किसके लिए, रेलवे में बायो टॉयलेट लगाने के लिए। ठीक है, तो 2015 में पहली बार बायो टॉयलेट लगाने के लिए फंड आवंटित होता है, इसको नोट करिए फटाफट, 1,000 करोड़। अच्छा, अब आप इससे समझ रहे हैं कि क्या होगा, रेलवे में हाइजीन होगी, रेलवे साफ सुथरी होगी और रेलवे सेफ इकोसिस्टम का रूप लेगी। सेफ इकोसिस्टम रेलवे को कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि रेलवे और रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, वो सब कुछ इससे जुड़े हुए हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री करना है आपको अपनी कंट्री को और रेलवे में आपने जो है उसको पूरे एक लाइन बना दिया है डेफिकेशन का, यस डेफिकेशन लाइन, और उस डेफिकेशन लाइन को चेंज कर किया गया बाय यूजिंग बायो टॉयलेट और मोस्ट ऑफ द ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाए जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, रेलवे साफ सुथरी हुई, क्लीन हुई, हाइजीन मेंटेन हुई और सेफ रेलवे इकोसिस्टम, रेलवे इकोसिस्टम, सेफ रेलवे इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ रेल ही नहीं, रेलवे लाइन भी हुई और रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले लोग भी हुए। रेलवे लाइन के उसी एक्सक्रीटा से बारिश होने के बाद मेन वाटर बॉडी में वो एक्सक्रीटा बह के आता था, उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते थे और वो वाटर बॉडी में पहुंचता था और वाटर बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर को पीने से जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो होते थे। ठीक है बच्चों, तो रेलवे में बायो टॉयलेट लगाने की संस्तुति इन दो कमेटी ने की, 2015 बजट में इसकी इसके लिए फंडिंग हुई है और क्या फ़ायदे हुए ये आप देख रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है।
ठीक है बच्चों, ये एडवांटेज हैं और भी कई सारे एडवांटेज हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसको आप ये लिख लीजिए तो मैं इससे क्या सुविधाएं मिली आपको, कौन कौन सी एडवांटेज हैं, इसके लाभ हैं, उसका मैं एक लिस्ट आपको दे देता हूं। तो रेलवे में बायो टॉयलेट, ठीक है बच्चों, रेलवे में बायो टॉयलेट लगाने के जो एडवांटेजेस थे या हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो आपको मैंने लिख दिया था कि रेलवे अब साफ़ सुथरी है, हाइजीन है और पूरा का पूरा रेलवे इकोसिस्टम सेफ है। किससे? कम्युनिकेबल डिजीज से। दूसरा है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो वेस्ट था वो 100% फ्री है। दूसरा, ह्यूमन स्लज, ह्यूमन स्लज 100% फ्री फ्रॉम एक्सक्रीटा। तात्पर्य ये है कि जो स्लज निकला है यानी जो लिक्विड कौन सा, बायोटॉयलेट के टैंक से निकला हुआ लिक्विड, जो बचा हुआ लिक्विड है जहां डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो चुका है, गैसेस निकल चुकी हैं, वो लिक्विड 100% फ्री फ्रॉम एक्सक्रीटा है। 100% फ्री फ्रॉम एक्सक्रीटा का मतलब उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कम्युनिकेबल डिजीज करेंगे। अब क्या है, वो बचा हुआ है फर्टिलाइजर, एंड दिस फर्टिलाइजर कैन बी यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये फायदा हुआ। तीसरा फायदा हुआ बच्चों, आपने ह्यूमन स्कैवेंजिंग की बात सुनी होगी, मैला ढोने वाले लोगों की बात सुनी होगी, और हमारी सोसाइटी का एक स्टिग्मा है ऐसे मैला ढोने वाले लोग, और गांधी जी ने भी इसके लिए बहुत कुछ किया था और हमारे समाज को भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि बायो टॉयलेट से ही सिर्फ नहीं दूर होगा, यद्यपि बायो टॉयलेट यूज होने से ह्यूमन स्कैवेंजिंग बंद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें ये पॉइंट लिख तो लेना चाहिए यहाँ, लेकिन ज़रा सोचिए उन बायो ह्यूमन स्कैवेंजर्स को, क्या आपने अपने समाज में वो उचित स्थान दिया है? शायद नहीं। उसका कारण है समाज का उनके प्रति रुख जो बदला नहीं है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर काज। अगर बड़ा कोई कॉज हो तो उसके लिए समाज को अंदर से सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है। तो ह्यूमन स्कैवेंजिंग को आप सोशल इशू से जोड़ लीजिएगा, मैं इशारा कर दे रहा हूँ, सोशल इशू जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा, और इस पॉइंट को वहाँ अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि हाउ गवर्नमेंट हैव टेकन प्लेस टू इरेडिकेट ह्यूमन स्कैवेंजिंग, बायो टॉयलेट का सहारा आप ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको थोड़ी सी लिंकिंग बनानी होगी, डिफरेंट डायमेंशंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें लिंक क्या कर सकते हैं, हाउ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद सोसाइटी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बायो टॉयलेट होने से जो ह्यूमन स्कैवेंजिंग है, जो सिर पे मैला ढोने वाले लोग हैं, उनको उस परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अब आप कहेंगे उनका एम्प्लॉयमेंट, तो ये आगे की एक समस्या है जिसको सरकार हल करेगी, लेकिन कम से कम इस हीनस क्राइम, जो वो हीनस वर्क, क्राइम नहीं कहेंगे ये, वो क्राइम हमारी नज़र में है, सोसाइटी के लिए वो क्राइम है कि मैला ढोना पड़ता है उन्हें, उससे छुटकारा मिला, ऐसे कार्य से उन्हें छुटकारा मिला बाय यूजिंग बायो टॉयलेट। तो आप लिख सकते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब सिर पर मैला ढोने अथवा व्यक्ति द्वारा मल निस्तारण, सिर पर मैला ढोने अथवा व्यक्ति द्वारा मल निस्तारण को समाप्त किया। किसने? बायो टॉयलेट ने। सो ये वाला पॉइंट बड़ा ही मजबूत सा पॉइंट है, इसको आप सोशल इशू में, ऐसे मैं स्टार मार दे रहा हूँ, सामाजिक जो
समस्याएं हैं उनमें मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ वन ऑफ द इशू, और वहाँ पे आप गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, अपार्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेप विच विल बी टॉक्ड टू यू इन सोशल इशू क्लास, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ताकि आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकें. तो एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. अगला पॉइंट है इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली कैसे है, क्यों नहीं है भाई? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली इसलिए है बच्चों क्योंकि ओपन डेफिकेशन से कम्युनिकेबल डिजीजेस होंगी, और वो कम्युनिकेबल डिजीज होने से क्या होगा, हमारा जो मेडिसिन पे खर्च है, जो नॉर्मली एक ह्यूमन लाइफ में मेडिसिन का खर्च होता है, स्वास्थ्य पे वो खर्च बढ़ जाता है. तो उसको अगर हम लोग घटा लें तो हम उस खर्च को कहीं और भी यूज़ कर सकेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि अगर ओपन में वो सारी गैस जो निकल रही है एटमॉस्फेयर में, वो अगर हम कंटेन करके बायोटॉयलेट में रख लेते हैं, उसका हम कुछ कॉमर्शियल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ क्या होता है बच्चों, वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और आपको पता है मीथेन इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग गैस. तो इको फ्रेंडली हुआ. अगला है जो बायो टॉयलेट्स हैं, वो सिर्फ ट्रेन के लिए ही अगर आप सोच रहे हो कि स्पेसिफिक है, मुफीद हैं, तो ऐसा नहीं है. बायो टॉयलेट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे रख सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे रख सकते हैं, या कहीं गैदरिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ रख सकते हैं, स्लम एरिया है वहाँ पे आप बायो टॉयलेट्स लगाए जा सकते हैं, मोबाइल बायो टॉयलेट्स. आर यू गेटिंग दिस? तो हिमालयन रीजन है जहाँ पे ओपन डेफिकेशन के कारण वहाँ के इकोसिस्टम गंदगी बहुत फैल रही थी, उसको आप रोक सकते हैं. दैट मीन्स कि देर आर वेरियस प्लेसेस, बस स्टेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्रीज हैं, हर जगह आप बायो टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं. तो जब जगह ज़्यादा होंगी, कई वेरियस प्लेसेस होंगे, तो आपको बायो टॉयलेट को इफ़ेक्टिव बनाना होगा उस प्लेसेस के लिए. तो ऐसा भी तो हो सकता है हिमालयन रीजन पे या किसी ग्लेशियर पे जहाँ आपके सैनिक हों, वहाँ बायो टॉयलेट यूज़ करें, और वो सब जीरो डिग्री टेम्परेचर होगा, वहाँ माइनस में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है. तो क्या वहाँ बायो टॉयलेट काम करेगा? यस. यही अगला पॉइंट है कि इट कैन वर्क ऑन सब जीरो टेम्परेचर, इवन माइनस 55 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, वेरियस प्लेसेस हैं जहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रेलवे नहीं है, और वहाँ पे ये काम करेगा. और सब जीरो अप टू माइनस 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी यह कार्य करता है. दैट मीन्स इट इज इफेक्टिव इवन एट ग्लेशियर्स. ठीक है बच्चों, और अगला है रेगुलेटिंग प्रिवेंटिव डिजीज़. आपको पता है प्रिवेंटिव और कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने में ये, और उसके पैथोजन को रोकने में काम आता है. और डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये कई सारे और भी लाभ हैं जिसको आप अगर देखें तो, आप यूजेस जो हैं इसके, आप हर जगह पिलग्रिमेज पे यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्लम्स जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ या यूँ कह लीजिए जो प्रिवेंटिव डिजीज़ हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, इनको इनकी खान होती हैं, वहाँ पे आप इसे उपयोग में ला सकते हैं और इन्हें इनसे बचा जा सकता है. तो ये सारे फायदे हुए. और इसका एक डिसएडवांटेज ये है बच्चों, इट इज़ वेरी सेंसिटिव. इसका एक डिसएडवांटेज है, और पोर्टेबल भी है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ये एडवांटेज है. पोर्टेबिलिटी इसको बनाती है कि इसको आप कहीं भी ले जा करके यूज़ कर सकते हो. बट डिसएडवांटेज इज़ दैट कि इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव. और जब ये बहुत सेंसिटिव होगा, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत किसी भी केमिकल या किसी भी जो डिफरेंट मतलब जो अकार्बनिक चीज़ें हैं उसके लिए सेंसिटिव होते हैं और मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो डाइजेस्टर किसी काम का नहीं होता. और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि रेलवे के जो कोच में लगे हुए हैं बायो टॉयलेट, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन होता है
कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसे कि सिगरेट का टूटा हुआ टुकड़ा डाल दिया और बोतल डाल दिया, नैपकिन डाल दिया, कागज का वो डाल दिया, क्या कहते हैं जिसमें आपने खाया, पॉलीथीन बैग डाल दिया। इसको मना करता है रेलवे, और कहीं भी बायो टॉयलेट है वहाँ ये मना किया जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सारी चीज़ें, जो पहले ओपन वाला टॉयलेट था जिसमें डायरेक्ट टू अर्थ की सुविधा थी, सीधे सीधे आप रेलवे ट्रैक पे चीज़ों को छोड़ देते थे, बोतल निकल जाती थी, ऐसा नहीं है। अब वो एक बायो टैंक है और उस टैंक का आपको ख्याल रखना है ताकि वो आपका ख्याल रख सके। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें थी बायो टॉयलेट्स के लिए, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला जो टॉपिक है वो है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीम कोटिंग यूरिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नीम कोटिंग यूरिया। बच्चों, नीम आपने देखी होगी और नीम को उपयोग में हम हजारों सालों से ला रहे हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो भी है एजाडिरेक्टा इंडिका, अरबी में कहते हैं आज़ाद हिंद दरख्त, और इसका नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका, बॉटनिकल नेम है बच्चों। तो नीम नेटिव है इंडिया का और नीम को हम हजारों सालों से उपयोग में ला रहे हैं। नीम एक प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड है, प्राकृतिक कीटनाशक है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ होता है। बात आती है नीम कोटिंग यूरिया की, कि जो यूरिया है, यूरिया आपको पता है NH2CONH2 एक खाद है, फर्टिलाइज़र है, जिसको कृषि में यूज़ किया जाता है, और भारत में बहुतायत यूज़ होता है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़मीन में कम हो जाती है तो उसे रिप्लेनिश करने के लिए आप यूरिया का उपयोग करते हो, उसे फिर से नॉर्मल करने के लिए यूरिया का उपयोग करते हो। और यूरिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्टली होता है, और यूरिया हमें बाहर से भी मंगानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी बनती है, बाहर से भी मंगानी पड़ती है, और यूरिया किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट में मिलती है, तो सब्सिडी का बहुत बड़ा बोझ भारत सरकार पे होता है। बात शुरू कहाँ से होती है नीम कोटिंग यूरिया की, इसके मल्टीपल फायदे हैं बच्चों। पहला जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सब्सिडी थी यूरिया की, वो सब्सिडी का पिल्फरेज था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो यूरिया आती थी एग्रीकल्चर के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू वो चली जाती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल यूनिट उसको लेकर के उसे आगे यूटिलाइज कर लेते थे। तो सब्सिडी का जो भार था भारत सरकार के ऊपर था। मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे समझाना चाहूँगा। यूरिया NH2CONH2। ठीक है बच्चों, यूरिया एक खाद है, एक उर्वरक है, और उर्वरक है तो ये कृषि में यूज होती है, और कृषि में यूज होने के लिए भारत इस पर सब्सिडी देता है। ठीक है बच्चों, सब्सिडी, यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है, तो क्या होता है कि सरकार के एक्सचेकर पे भार होता है। लेकिन ये यूरिया ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग, और ब्लैक मार्केटिंग होने से ये डाइवर्ट हो जाती थी एग्रीकल्चर के बजाय ब्लैक मार्केट में, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ इसका यूज़ हो जाता था। ठीक है, तो ये पिल्फरेज, इसका आप लिख सकते हैं सब्सिडी का दुरुपयोग, ये समस्या आई, सब्सिडी का दुरुपयोग हुआ। अगेन यहाँ जो यूरिया एग्रीकल्चर में जानी थी, कृषि में जानी थी, वो उसकी कमी हुई, तो हमें फिर से यूरिया लेनी पड़ी, फर्दर सब्सिडी, यानी सब्सिडी बढ़ती जा रही थी, और ब्लैक मार्केटिंग से यूरिया जो है डाइवर्ट होती जा रही थी, कृषि में नहीं पहुंच पा रही थी। अब क्या हुआ, अब आ गया नीम कोटिंग। ठीक है, नीम क्या है बच्चों,
कॉमन ट्री है, ट्रॉपिकल ट्री है, भारतवर्ष में खूब होता है, गाँव में हर दरवाजे के बाहर या आसपास नीम होता है। आपका बचपन गुजरा होगा नीम पे झूलते हुए, वही नीम। नीम कोटिंग जैसे ही हो गई तो अब नीम कोटिंग होने से जो ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ अब ख़त्म हो गया, जो नीम कोटेड यूरिया है उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं हो सकता, उससे आर्टिफिशियल दूध भी नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि यूरिया का मिसयूज़ होता था, तो नीम कोटिंग करने से ब्लैक मार्केटिंग रुक गई। तो सबसे पहले नीम कोटिंग हुआ तो सबसे पहला काम हुआ ये कि इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी वो रुक गई। दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि जो सब्सिडी का बर्डन था, बढ़ता जा रहा था, वो अब स्लैश होने लगा। स्लैश इसलिए हुआ क्योंकि सब्सिडी कृषि के क्षेत्र में दी गई थी, और जब नीम से हमने कोटिंग कर दी, नीम के तेल अथवा नीम की खली से, मैं लिखाऊंगा चिंता मत कीजिए, नीम की कोटिंग करने से सब्सिडी का जो बर्डन था, एक्स्ट्रा बर्डन था, वो कम हो गया। तो दोहरा फायदा हुआ बच्चों, सब्सिडी का बर्डन कम हुआ, ब्लैक मार्केटिंग रुक गई। तीसरा फायदा क्या हुआ कि जब आप नॉर्मल यूरिया को एग्रीकल्चर फील्ड में आप जब खाद डालते थे तो वो फटाफट गल जाती थी और द्रवीभूत हो जाती थी, द्रव में हो जाती थी, मिट्टी में मिल जाती थी, और एक्सेस अमाउंट में वो मिट्टी में मिलती थी और पौधों को उतने की आवश्यकता भी नहीं हुआ करती थी। तो होता क्या था, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वहाँ स्थित हो जाता था, और जब वह लीचिंग एक क्रिया होती है, मैं समझाऊंगा उसको, लीचिंग के कारण वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाना शुरू करता था और जो वाटर टेबल है उसको कंटामिनेट करता था, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी वाटर बॉडी में वो यूरिया चला जाता था तो वहाँ लग्जूरियंट ग्रोथ हो जाती थी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज हो सकती हैं या वो एल्गी हो सकता है, और ये जो प्रक्रिया थी इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, हम लोग एनवायरमेंट में इसको देखेंगे बच्चों। तो यूट्रोफिकेशन हो जाता था क्योंकि एक्सेस ऑफ यूरिया आपने यूज़ किया, और उस एक्सेस ऑफ यूरिया के कारण एक तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन वहाँ पे हो गया, दूसरा लीचिंग हुई, नीचे जाकर के ज़मीन में ग्राउंड वाटर ख़राब किया, तीसरी बात किसी भी वाटर बॉडी में गया तो वहाँ यूट्रोफिकेशन कॉज किया। सारी बातें लिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ एक खाका खींच रहा हूँ आपके सामने। यूट्रोफिकेशन होने से वो पॉन्ड इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, ग्राउंड वाटर में यूरिया पहुँच जाने से ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी थी वो ख़राब हुई, और यूरिया का एक्सेस यूज़ होने से यूरिया ज़्यादा यूज़ हुई, प्रयोग में लाई गई। नीम कोटिंग यूरिया क्या करता है बच्चों, उसका सस्टेन रिलीज करता है यूरिया का, उसमें नीम की खली लगी होती है और उससे यूरिया धीरे धीरे निकल के प्लांट से के पास निकलता है। तो होता क्या है, प्लांट धीरे धीरे उसे अपने ग्रोथ में यूज़ करता जाता है, अचानक रिलीज नहीं होता, सस्टेन्ड रिलीज होता है ड्यू टू नीम कोटिंग। और जैसे ही सस्टेन्ड रिलीज होना शुरू हुआ, प्लांट ने उसे ग्रोथ में यूज़ किया, देयर इज़ नो फर्दर लीचिंग, आगे लीचिंग नहीं होगी तो वो ग्राउंड वाटर टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो रन अवे, वहाँ से बारिश के पानी से वाटर टेबल में चला गया तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन नहीं कॉज करेगा। तो ये कई सारे फायदे हुए हमें नीम कोटिंग यूरिया से, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें नीम कोटिंग यूरिया होने से सस्टेन्ड रिलीज, धीरे धीरे यूरिया के निकलने से कई फायदे। ये कई फायदे क्या हैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन धीरे धीरे, नीम कोटेड यूरिया, नीम यूरिया मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे नीम यूरिया के निकलने से कई फायदे हुए, देखिए आपका यूरिया भी बच रहा है, यूरिया का मिसयूज़ इधर भी बचा, और यूरिया के मिसयूज़ से जो इम्पैक्ट थे एग्रीकल्चर के, बैड इम्पैक्ट्स थे, उसमें भी कमी आई। तो नीम कोटिंग यूरिया के ये सारे फायदे हैं। एक फ्लो चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इन डिटेल हम लोग चलते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। नीम कोटिंग यूरिया, ठीक है, नीम कोटिंग यूरिया में करते क्या है बच्चों, हम लोग नीम की खली अथवा नीम के तेल को यूरिया के ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो नीम केक
या नीम ऑयल? नीम केक का मतलब खली हो गया, जब इसके बीज को क्रश करके तेल निकाल लिया जाता है तो जो एक्सेस जो सीड के पार्ट्स बचे होते हैं उसे नीम केक कहा जाता है। कहीं भी आप अगर जाएं, सरसों के भी केक होते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन फॉडर, जो चारा होता है पशुओं का उसमें उपयोग में लाया जाता है। इस खली को अथवा नीम के तेल को यूरिया के ऊपर एक परत के रूप में, एक परत के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया क्या है लिख लीजिए, नीम कोटेड यूरिया। नीम के तेल को यूरिया के ऊपर एक परत के रूप में चढ़ाया जाता है जिससे अब लाभ की बात करते हैं। जिससे लाभ क्या है जरा लिख लें फटाफट। आपने फ्लो चार्ट तो बनाया है, जिससे यूरिया का ग्रेजुअल रिलीज, जिससे यूरिया का ग्रेजुअल रिलीज क्रमशः रिलीज, मैं हिंदी शब्द इसके लिए ढूंढ नहीं पा रहा हूं, थोड़ी सी दिक्कत है। आप समझे, यूरिया तुरंत गल जाता था पानी में, अब तुरंत नहीं गलेगा, धीरे धीरे वो गलेगा और धीरे धीरे पौधों को मिलेगा। तो ग्रेजुअल रिलीज, यूरिया का ग्रेजुअल रिलीज होने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दूर होती है, साथ ही साथ पौधों द्वारा इसका अवशोषण भी होता है। परिणामतः यूरिया लीचिंग के द्वारा अब पेयजल को दूषित नहीं कर पाता और न ही यूट्रोफिकेशन की घटना होती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, मैं लीचिंग और यूट्रोफिकेशन दोनों समझा रहा हूं। यूरिया के ग्रेजुअल रिलीज से होने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दूर होती है, साथ साथ पौधों द्वारा इसका अवशोषण भी होता है। परिणामतः यूरिया लीचिंग के द्वारा पेयजल को दूषित नहीं कर पाता और न ही यूट्रोफिकेशन की घटना होती है। हमें समझना है ग्रेजुअल रिलीज, आप समझ रहे हैं, जब कोटिंग होगी वो धीरे धीरे गलेगी और यूरिया धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। ग्रेजुअल रिलीज समझ में आ गई,
नहीं था नीम का कोटिंग तो तुरंत डिसॉल्व हो जाता था। नाइट्रोजन की कमी दूर हो गई और पौधे भी उसी जैसे आवश्यकता थी उसी हिसाब से वो उसको अपटेक करने लगे और उसका उसको ग्रहण किया, जिससे खेत में एक्स्ट्रा यूरिया नहीं बचा और एक्स्ट्रा यूरिया नहीं बचा तो लीचिंग नहीं हुई। लीचिंग क्या होता है, पानी जैसे जैसे नीचे जाता है वाटर टेबल में बच्चों, अपने साथ मिनरल्स को जो उसमें डिसॉल्व हैं उसको भी लेता जाता है और अंदर डिसॉल्व मिनरल जा करके अगर वो छन नहीं पाते तो जाहिर सी बात है जो अंदर वाटर एक्वीफर्स हैं जो ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते हैं उसमें जा करके पानी में मिलता है। और अब क्या होता है, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर टेबल है दैट इज़ कंटामिनेटेड विथ यूरिया और यूरिया कंटामिनेशन के कारण इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बस इतना जानिए। तो वहाँ पे लीचिंग के कारण यूरिया का कंटामिनेशन हो गया। तो लीचिंग क्या है, डिसॉल्व्ड मिनरल जो है उसका पानी का में डिसॉल्व होकर के ज़मीन के जो हॉरिजॉन होते हैं उसको पार करते हुए नीचे वाटर टेबल में जो वाटर एक्वीफर्स हैं वहाँ जा कर के घुल जाना, किसमें, ग्राउंड वाटर में। तो जो पेयजल है वो ग्राउंड वाटर है, उससे हमें पेयजल कंटामिनेटेड मिलता है। दूसरी चीज़ मैंने कही यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की घटना, इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया तो हम लोग यूट्रोफिकेशन भी यहीं समझते चले बच्चों, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आसपास कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में वाटर हाइजिंथ है। वाटर हाइजिंथ क्या है, जलकुंभी, ठीक है, अपने आप में नोटोरियस है, किसी भी वाटर बॉडी में पहुंचती है तो वहाँ आसपास कोई और प्लांट जम ही नहीं पाता, सबका स्थान घेर लेती है, बहुत ही एंड्योरेंस वाला प्लांट है वाटर हाइजिंथ जलकुंभी। अब वहाँ पर इसको मिल गया यूरिया, अब ये तो गो गागा खुश हो जाएगी और खूब सारा डेवलप कर लेगी, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। एक किसी भी स्पीसीज़ का, प्लांट स्पीसीज़ का उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में कब्जा हो जाना लग्जूरियंट ग्रोथ के कारण, क्योंकि वो एंड्योरेंस उसकी ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, बाकियों की अपेक्षा अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो उस पूरे वाटर बॉडी में उस पर्टिकुलर एक या दो प्लांट स्पीसीज का ग्रो करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्या होता है, जब वो सारा स्थान ले लेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स उनका हो जाएगा, वही ग्रो करेंगे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इट विल बी लॉस्ट, ठीक है। वहाँ अगर ज़्यादा एक ही प्लांट हो जाएंगे तो ऊपर वो वाटर के होंगे, वाटर के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है उसको वो घटा देंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घटाएंगे तो बाकी वाटर के एनिमल का क्या होगा, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। That means यूट्रोफिकेशन ज़रूर किसी एक या दो प्लांट स्पीसीज की लग्जूरियंट ग्रोथ को व्यक्त करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो वहाँ की जैविक जो विविधता है उसको हानि पहुँचाता है, तो यूट्रोफिकेशन नहीं होना चाहिए। और ये यूरिया क्या कर रहा था, किसी आसपास के वाटर बॉडी में चला गया, वहाँ हो सकता है ग्रीन एल्गी ही हो, वहाँ हो सकता है माइक्रोसिस्टिस ब्लू ग्रीन एल्गी ही हो, उन्हीं का ग्रोथ हो जाए जो काई की तरह दिखाई पड़ते हैं पानी में, उन्हीं की लग्जूरियंट ग्रोथ हो जाए, वाटर ब्लूम बन जाए, आर यू गेटिंग दिस। तो वहाँ क्या होगा बच्चों, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को या वहाँ के इकोसिस्टम को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा यूट्रोफिकेशन, और ये दोनों घटना से बचा जा सकता है, क्योंकि दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के नेगेटिव आस्पेक्ट उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, एनवायरमेंटल आस्पेक्ट हैं, जिसको हम लोग कभी मौका मिला तो डील करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कि नीम कोटिंग आपने की तो आपको एनवायरमेंट में क्या फ़ायदा मिला, आपका जो कृषि का बजट था वो कम हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है दूसरा है कि नीम प्राकृतिक कीटनाशक है, नीम प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। आपने नीम कोटिंग यूरिया यूज किया, आपको इंसेक्टिसाइड के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। नाउ द नीम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू और ये आप बहुत सारे वहाँ इंसेक्ट्स होंगे जिनको ये ख़त्म करेगा, तो एक प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड के रूप में नीम है, तो आपको इंसेक्टिसाइड वाला बजट भी कर्टेल हुआ, ठीक है बच्चों। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और है बड़ा छोटा सा, लेकिन आप इसका देखिए सोशल आस्पेक्ट क्या है, कि नीम कोटिंग के लिए नीम की आवश्यकता होगी और नीम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए उस नीम के बीज का कलेक्शन चाहिए जो कि आपको गांवों में मिलेगा।
गांव में नीम है और नीम के बीज कलेक्ट करके आपकी फैक्ट्री तक लाने हैं तो कोई ना कोई आपको चाहिए जो ये काम करे। इसका मतलब है कि नीम की खेती जो नीम हो रही है और उसका बीज का कलेक्शन एक रोजगार के रूप में उभरेगा और जो गांव के जो लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर जो मजदूर हैं गांव में रहने वाले उन्हें एक रोजगार के रूप में इसको वो फॉलो कर सकते हैं और उनकी कहीं ना कहीं ये परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। हो सकता है कम हो, पार्ट टाइम जॉब ही करें, नीम का एक पर्टिकुलर सीज़न होगा, हो सकता है उसी सीज़न में ये रोज़गार मिले, बट यस जहाँ कुछ नहीं था वहाँ ये तो है। तो कहने का मतलब है कि एक रोज़गार के सृजन के रूप में भी हम नीम के बीजों के कलेक्शन को देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि नीम के बीज का व्यवसायिक संग्रह ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होगा, ठीक है। अगला है बच्चों चौथा, आप लिख सकते हैं कि जो यूरिया का मिसयूज होता था, एक तो उसको सब्सिडी का मिसयूज होता था, उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। यूरिया से दूध बनने लगा था इंडिया में, ये आयरनी ऑफ फेट है, हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा होता था, तो वो भी रुकेगा। तो आप लिख सकते हैं यूरिया का दुरुपयोग भी रुकेगा। अब नीम कोटिंग यूरिया से तो दूध नहीं बनाया जा सकता, नीम कोटिंग यूरिया से कोई और फर्दर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ सब्सिडी भी बच रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला है बच्चों सब्सिडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, यह सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकेगा। फ्लो चार्ट में मैंने समझा दिया है। पांचवा, यह यूरिया की खपत को कम करेगा, यूरिया की खपत को कम करेगा, कम करेगा यूरिया की खपत को। तो क्या होगा बच्चों, अगर जो हम यूरिया बाहर से मंगा रहे हैं तो हमारा जो बिल है इंपोर्ट वाला वो कम होगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो इसको आप ज़रा इकॉनमी से जोड़ लीजिएगा, इकॉनमी वाले सर जब आपको बता दें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो वहाँ पे यूरिया की खपत कम होगा, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं यूरिया, तो वहाँ से आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो नीम कोटेड यूरिया से आपको जो लाभ है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो ये कुछ टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एक और टॉपिक बचता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। आज के लिए मैं ये चार टॉपिक लाया था, आइए ज़रा देख लें फटाफट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं। बहुत नाम इसके सुने हैं आपने और आप बहुत परेशान भी रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, अब तो लगभग सभी लोग जानने लगे हैं, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इतना तो आप भी जान गए होंगे और ये भी जानते हैं कि विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो होता क्या है एंटीऑक्सीडेंट, इसकी आवश्यकता आपके शरीर को क्यों पड़ती है और ये कैसे आपको हेल्प करता है, तो एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। तो पहले चलिए आइए जाने कि है क्या एंटीऑक्सीडेंट।
इसको समझने से पहले आपको एक बात जाननी होगी बच्चों कि शरीर के अंदर श्वसन नाम की एक प्रक्रिया होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर ग्लूकोज टूटता है और वो ग्लूकोज टूट करके एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा होती है जिसको हर सेल के अंदर की जो 5000-6000 माइटोकांड्रिया हैं, ये एक प्रक्रिया चल रही होती है। और इस श्वसन की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो इधर उधर जाते आते हैं, और जहाँ कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये किसी न किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके जुड़ जाते हैं और वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनाते हैं बच्चों। फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, यानी जहाँ कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन होंगे, घूम फिर रहे होंगे, हमेशा ये कोई ना कोई फ्री रेडिकल बनाएंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाते हैं, और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होते हैं। और आप भी सेल बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि हर सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसकी इंटीग्रिटी और पूरे सेल की इंटीग्रिटी आप देखें तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे डिटेल में। यहाँ मैं छोटे में बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होते हैं ये सेल की जो संगठन है, सेल का संगठनात्मक जो ढांचा है उसको डिसरप्ट कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। और होता क्या है, वो सेल आपकी डैमेज हो जाती है। कौन? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कम निकलते हैं स्ट्रेस के समय में, स्ट्रेस या नॉर्मली भी वो निकलते रहते हैं। बॉडी जब काम कर रही होती है दैट मीन्स बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, और उसमें श्वसन ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा, ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज़्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ज़्यादा निकलेगा। ठीक है बच्चों, घबराइएगा नहीं। अब क्या करता है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, सेल के संगठन को खराब कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को खराब कर देता है और सेल डैमेज होने लगती है। शरीर के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो इस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को पकड़ पकड़ के ख़त्म करते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। घबराइएगा मत, मैं सारा कुछ लिख के बताऊंगा। ये क्या करते हैं, उस फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। लेकिन जब आप ओवर स्ट्रेस्ड होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे जोर डाल देते हो, चाहे मानसिक जो स्ट्रेस ले लेते हो, तो इनकी संख्या ज़्यादा होने लगती है फ्री रेडिकल्स की। और तब क्या होता है कि शरीर के जो सेल होते हैं इसको ये डैमेज करने लगते हैं, अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, और सेल डेथ और इम्यूनिटी घट जाने से आप जो है कमज़ोर हो जाते हैं, पूरा शरीर कमज़ोर होता है, और आगे की बात आप पता है आपको। अब यहाँ एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो शरीर के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम मैंने लिया सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, वो इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। यानी खाने का मतलब ऐसा थोड़ी उसके मुँह है और वो खाएगा, वहाँ केमिकल रिएक्शन से उसे बांध लेता है। यही काम बाहर से आप सप्लीमेंट के रूप में लेते हो जो करते हैं, यानी उस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का दुश्मन, उस ऑक्सीजन का दुश्मन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। वो ऑक्सीजन क्या करता, ऑक्सीडेशन करता, जाके सेल के मेम्ब्रेन से जुड़ जाता, उसमें कोई लिपिड होता उसको ख़राब कर देता, पता चलता सेल मेम्ब्रेन टूट गई। तो उस जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकला, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकला बच्चों, कैसे निकला आपको मैंने बताया, रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, श्वसन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज है और वह एटीपी में बदल रहा है, ये प्रक्रिया सतत चल रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता रहता है, और यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाता है। ये सिंगलेट ऑक्सीजन है जो फ्री रेडिकल है, कई सारे हो सकते हैं, ऑक्साइड फ्री रेडिकल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन में सिंगलेट इलेक्ट्रॉनों, केमिस्ट्री वाले अच्छे से जानते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, फ्री भी है और रेडिकल भी है, यानी क्रांति तो करेगा ही,
तो ये क्रांति करता है, क्रांति के रूप में ये सेल को डैमेज करता है। कैसे करता है, केमिस्ट्री की चीज़ है, बस आप इतना जानिए। ये क्या करता है, कोशिका को हानि पहुंचाता है, और जब ये कोशिका को हानि पहुंचा रहा होता है तभी शरीर के अंदर नेचर ने आपको एक शक्ति दी है एंटीऑक्सीडेंट की, उसका नाम है, एक एंजाइम है, नाम है उसका सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये नाम है बस उसका डिसम्यूटेज। ये दौड़ के आता है और दौड़े दौड़े आकर के ये फ्री रेडिकल को खा जाता है, स्केवेंज कर लेता है, मतलब उससे रिएक्शन करता है और उसके सिंगलेट इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देता है और कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है। तो खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुंह चला के खाता है, ऐसा मत सोचिएगा। सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, क्या किया, इस फ्री रेडिकल को खा लिया। अब इसकी औकात नहीं कि ये सेल को कोई हानि पहुंचाए, कोशिका खुश रहती है, आनंद से रहती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप स्ट्रेस लेने से बा जाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस लोगे। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, और जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और ग्लूकोज एटीपी में बनता है और फ्री रेडिकल बनने लगते हैं। तो स्ट्रेस में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो MSc में आपको पढ़ाई जाती है लाइफ साइंस में, और फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल बनेंगे तो ये कहेगा भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आप कुछ करो। तो आप क्या कहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है यार एंटीऑक्सीडेंट खाओ, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तो एंटीऑक्सीडेंट में आपको कहता है विटामिन सी खा लो, विटामिन ई खा लो, बीटा कैरोटीन खा लो, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, क्योंकि इन सब में एक सब्सटेंस है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो इस फ्री रेडिकल को ख़त्म कर देता है। तो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने वाला क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, और इसका दुश्मन एंटीऑक्सीडेंट। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, कुछ बातें हैं जो आप लिख लेंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिपेयर और डैमेज, सेल के रिपेयर और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डैमेज नहीं होने देता और रिपेयर करता है और कैंसर से प्रिवेंट करता है। तो पहले जान लीजिए एंटीऑक्सीडेंट हैं क्या क्या, ये तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, आइए देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं, कौन कौन है। एंटीऑक्सीडेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो कि शरीर में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से निकलते हैं उनका भक्षण एंटीऑक्सीडेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट करता है, यह शरीर में एंजाइम के रूप में इन ब्रैकेट में लिख लीजिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम के रूप में अथवा बाहर से सप्लीमेंट के रूप में
लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। वाक्य का विन्यास भले सही ना हो, समझिएगा शरीर के अंदर तो होता ही है, तो लिए जा सकने की कोई बात नहीं, शरीर के अंदर होता है, बाहर से आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्या करता है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है, यानी सेल डैमेज करता है, और सेल डैमेज से आपको बचाता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, अब बाहर का जो सप्लीमेंट है वो क्या, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाहर का जो सप्लीमेंट है उसमें फूड है, फूड में आपको साइट्रस फ्रूट है, और भी जो कलरफुल फ्रूट्स हैं, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं उस सब में कैरोटीन पाया जाता है किसी न किसी रूप में, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दोज पिगमेंट्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप लिख लीजिए, पेन दूसरी बदल दूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का ये तो और माशाल्लाह है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को रोकने वाले जो हैं वो सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी कहाँ मिलेगा इसको बाद में देखेंगे हम लोग, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ठीक है, जैंथोफिल, ये क्या है, दीज आर ऑल आर पिगमेंट। ठीक है बच्चों, और ये पिगमेंट फ्रूट्स में हो सकते हैं, फ्रूट्स जितने कलरफुल फ्रूट्स हैं दे ऑल हैव एंटीऑक्सीडेंट एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ, खाना चाहिए आपको, फ्रूट्स में हो सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में हो सकते हैं। आपने सोचा है कभी जो कलर्ड शिमला मिर्च होती है वो ग्रीन वाले शिमला मिर्च से ज़्यादा महंगी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस जैंथोफिल एंड कैरोटीन, एंड इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे की बात मैं बताऊँ। तो एंटीऑक्सीडेंट खाते हो, एंटीऑक्सीडेंट खाओगे तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आपके बॉडी में बन रही है स्ट्रेस लेने के बाद, यूपीएससी की तैयारी करने में भी तो आप स्ट्रेस लेते हो, उस स्ट्रेस से भी आप बच सकते हो, स्ट्रेस से तो नहीं बचोगे, वो तो लेना भी चाहिए, आप उस स्ट्रेस के बैड इफेक्ट से बच सकते हो बाय ईटिंग फ्रूट्स, बाय ईटिंग दीज विटामिन्स। तो अपने खान पान में आज की क्लास से ये तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू करोगे, और लेना शुरू करिए, नहीं बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, बिकॉज सेल डेथ होगी, सेल डैमेज होगी तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तो मेरी बातें आपको डराने के लिए, समझाने के लिए हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लेते हैं तो जो सेल डैमेज है इट विल स्टॉप डैमेज, और जब डैमेज स्टॉप हो जाती है तो बॉडी अपने आप सेल को रिपेयर करती है, नई सेल जनरेट होती है, इट विल स्टॉप डैमेज हेंस हेल्प इन रिपेयर। ठीक है बच्चों, डैमेज रोक देगी तो रिपेयर बॉडी अपने आप कर लेगी, किसका, सेल का, किससे डैमेज, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स था उससे डैमेज, रोका किसने, एंटीऑक्सीडेंट ने, एंटीऑक्सीडेंट खा करके आपने सेल डैमेज को रोक लिया और धीरे धीरे सेल रिपेयर कर जाएगी। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो इट प्रिवेंट कैंसर, प्रिवेंट कैंसर। ठीक है बच्चों, और आप पूछोगे कैंसर क्या है, तो इसके लिए स्पेशल एक क्लास में अगले सैटरडे संडे में डिसाइड करते हैं, और देखते हैं कि जो भी डिजीज़ है इस तरह की उस पर एक क्लास आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी सामग्री आपको एग्जामिनेशन में तो उत्तर सही कराएगी ही, आपके अपने जो व्यक्तिगत कुछ सवाल हैं उसमें भी सहायक होगी। तो प्लीज़ एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करें और मेहनत करें, पढ़ते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, और सदैव देश सेवा की बात को सोचते रहें कि कैसे हम आगे चल के अपने देश को और भी अच्छा स्थान बनाएंगे, जिससे यहाँ पे लोग
आराम से रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।